अरे छमिया चढ़ा रखी कर रही थी, थोड़ा संभल के चल ना, चोट लगेगी तेरे को। अरे भाऊ चढ़ाई नहीं है रे, जो रात को तेरे कपड़े के पास बदल थी वही मैंने पी लिया रे। अरे मैया तू अभी पी गया क्या बे? क्या हुआ भाऊ, चमचम ब्रांड था क्या? अरे नहीं रे, जो चंपा बगल में है ना उसके बच्चे को सुसु लग गई थी, इसलिए बोतल में मैंने करा दिया रे। साला चंपा के लौंडे के नल्ले में नशा है क्या? होगा रे, अब तो दारू के पैसे ही वैसे बचेंगे बे। तभी तो मैं सोचू चंपा का पति हरदम तल्ली रहता है, क्या पैसे की कमी नहीं होती है भाऊ। चल ना रे अपने काम किया जाए। आज तो मैंने तुम लोगों को रंगे हाथे पकड़ लिया। पर हमारे हाथ तो रंगे ही नहीं है। अबे साले इतना मार मारूंगा ना कि तेरे मुंह की खुजली मिट जाएगी। साहब मेरे गांड में खुजली हुई है, उसे मिटा दो। अबे तेरी बहन का झुनझुना बजाऊं, मैं पुलिस हूँ कोई हकीम नहीं। क्या है साहब इतना भड़क क्यों रहे हो? तुम लोग लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? साहब थोड़ी तुम भी ले लो तो मरने पे लकड़ियाँ खरीदनी नहीं पड़ेंगी। साले तुझे जेल में डाल कर कर्मचारी बना दूंगा, सरकारी या प्राइवेट। हेलो साहब पूरे 5 पेटी है, ऐसे ही आपके गांड के बगल की जेब को गर्म करते रहेंगे। पुष्पा बाबू तो रोज ना आता क्यों नहीं है? अरे हलकट अगले महीने होली हरी, इसीलिए मैं नहीं ना आता, इसलिए पानी का बचत करता हूँ मैं। Oh, no! चल घोड़ा भाई ने चंदन की लकड़ी मांगी है। घोड़ा भाई पुष्पा आ गया। आपके कहे अनुसार मैंने लकड़ी लाया लौड़ा भाई। अबे साले मेरा नाम लौड़ा भाई नहीं घोड़ा भाई है, साले मेरा पाछू। पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला, मार ती मार कच्ची तू। पुष्पा नाम सुनकर शायर समझा है क्या? शायर हूँ मैं, शायर शायर हूँ मैं। मंगा सीनू तुझे छोड़ेगा नहीं।